और पिछले कुछ समय से हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर विशेष रूप से कुछ एडिटेड वीडियोस, फेक वीडियोस लगातार शेयर की जा रही हैं कुछ स्पेशल हैंडल्स के द्वारा। हमने दो दिन पहले तुगलक रोड थाने में जाकर इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई थी और वहाँ जो व्यवहार दिल्ली पुलिस का वहाँ पर रहा बहुत ही खेदपूर्ण था। हमें लगातार दो घंटे वहाँ पर थाने में बैठना पड़ा, उसके पश्चात वो हमारी जो कंप्लेंट थी वो रिसीव की गई। उसमें हमने इन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें विशेष रूप से हमने एक एक जो ट्विटर के हैंडल्स के ऊपर शेयर की हुई पोस्ट हैं उनके लिंक्स हमने शेयर किए थे और ये इस तरीके के वीडियोस और पोस्ट हैं जिससे आपसी जो वैमनस्य है वो बढ़ सकता है, हेट स्पीचेस की कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं। और दुख इस बात का है कि इन हैंडल्स को देश की प्रमुख पार्टी के मुख्य लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। तो हमने जब वो दर्ज की थी तो हमने उम्मीद की थी कि इसमें जल्द से जल्द FIR दर्ज होगी, लेकिन दो दिन के इंतज़ार के बाद जब उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हमने CP कमिश्नर पुलिस साहब से आज का समय मांगा था और हमने वो अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर जल्द एक्शन लेंगे। सर, दिल्ली में हमने कुछ पोस्टर भी देखे थे जिसमें लिखा था यासीन मलिक और मनमोहन सिंह की फोटो लगाई गई थी और लिखा गया था रिलीज यासीन मलिक और वोट फॉर कांग्रेस, उस पोस्टर्स को लेके भी आपने कोई आपत्ति दर्ज कराई है? मैंने कहा कि इस तरीके के विभिन्न इंसिडेंट्स आज पूरे देश में न सिर्फ दिल्ली में वो लगातार जारी हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश लगाया नहीं जा रहा है। तो हमने उन सभी चीज़ों को कंपाइल करते हुए आज यहाँ पर अपना आपत्ति दर्ज की है। मुझे उम्मीद है इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अमित शाह जी के एक डीपफेक वीडियो बनाया गया था जिसमें कांग्रेस के लीडर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, तेलंगाना से गिरफ्तारी हुई है, तो उसका ये काउंटर कंप्लेंट तो नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज जो सरकार है उसने सभी जो सरकारी एजेंसियाँ हैं उनको बंधक बना लिया है। एक तरफ जहाँ तेलंगाना में सुओ मोटो पुलिस लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को या जो जिन लोगों ने उसको शेयर किया था उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक कंप्लेन लेने के लिए दिल्ली के कैपिटल में के बिल्कुल बीच में दो दो घंटे सिर्फ कंप्लेन दर्ज कराने में लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपडेट की हैं। ठीक है सर, थैंक यू।